हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, तो गणगौर पूजा के लिए अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो आप भी देखिए गणगौर पूजा हमारे में कैसे होती है। हमारे राजस्थानी का त्यौहार है गणगौर पूजन, तो आज आप भी देखिए कैसे होती है गणगौर। तो गाइस, गणगौर पूजा के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है मेरे लिए। गणगौर पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं, थाल भी रेडी हो गया है, और ये है गणगौर एंड ईश्वर। गणगौर की जो कहानी रहती है तो वो सुनना जरूरी रहता है। भगवान, अब तो मेरे गांठ बांध दो, भगवान ने कहा। गौरी जी सोच लो, बाद में पछता होगी, गौरी माली नहीं होगी। नहीं, और शंकर जी से गांठ बंधवा ली, तब आगे बढ़े। ससुराल के गांव पहुंचते ईश्वर जी पीपल के झाड़ नीचे विश्राम करे। गोरा जी पीहर गई, सब सहेलियों में भगन मगन हो गई। गणगौर का मेला लगा था, गोरा जी सहेलियों के साथ मेला देखने गए। मेले में शंकर भगवान मोची का रूप बनाकर मोचड़ी बेचने बैठ गए। गोरा जी का सुंदर मोचड़ी पर मन चला गया। मोची से जाकर पूछा, तो मोचड़ी का मूल क्या है? मोची बोला, मेरा घड़ा भर ले आओ। पार्वती जी घड़ा भर लाई, अब बताओ मोचड़ी का मोल क्या है? मोची बोला, मेरे लिए दो रोटी बना दो, यही मोल है। गोरा ने दो रोटी बनाकर सेक दी, अब बता मोचड़ी का मोल क्या है? मोची बोला, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ दो कवे ले ले। पार्वती जी ने नजर बचाकर खा लिया और मोचड़ी लेकर घर आ गई। शंकर भगवान जी ससुराल आए, बड़ी गणगौर आई, सिंजारा मनाया और जीम कर महल में सोने गए। सोने आए, गौरी जी भी आई। तब शंकर जी ने पूछा, आज तो महल में चांदनी बहुत है। गोरा बोली, चांदनी तो पूत की और पूर्णिमा की रहती है। आज तो पूर्णिमा भी नहीं और मेरे कोई पूत भी नहीं, यह तो चांदनी दिए की है। ईश्वर जी बोले, ये तो चांदनी और किसी की है? गोरा देव बोली, बताओ क्या बात है? ईश्वर जी बोले, आपने मोची के साथ दो कवे खा लिए। गोरा देव बोले, आपने कैसे देख लिया? ईश्वर बोले, यह तो गोरा जी मैं ही था, इसलिए कोई बात नहीं। औरतें बहुत मन चलाती हैं, ऐसे मन नहीं चलाना चाहिए। दूसरे दिन गणगौर है, ईश्वर जी बोले, मैं तालाब पर जाऊं, सब औरतें आएगी, सुहाग बांटना है, आप भी जल्दी जल्दी आना। सब औरतें बन ठन सज सवर पर कर तालाब के किनारे आई। ईश्वर जी भर भर कुंडा सुहाग बांट दिया। गोरा जी बोले, सारा सुहाग बांट दोगे, अपनी औरतें तो अब आएगी। गोरा जी आप रोली हथेली में घोल कर चिट्टी अंगुली से सबके सुहाग का छीटा मार दो। कहानी सुनने वाली सब औरतें रोली के छीट मार देवे। ईश्वर जी गोरा के घर आए, ईश्वर जी जीवने बैठे और बनाया सारा खाना खा गए और जाने की जल्दी करने लगे। गोरा को माने सागरी की पीढ़िया और आठ फल खिलाकर लोटा भर पानी पिलाकर सीख दे दी। आगे जाकर ईश्वर जी गोरा दे पीपल के झाड़ के नीचे विश्राम करने लग गए। गोर जी भूखे थे, जो झट नींद आ गई। नींद में गोरा जी को देखकर ईश्वर जी ने चुपके से पेट की ढकनी खोलकर देखा, तो पेट में एक लोटा पानी, सांगरी की पीढ़ी और आठ फल झूल रहे थे। ये देखा कर ढकनी बंद कर दी और
आराम से सो गए। गोरा जी जगे तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरा जी आप क्या जी में? गोरा जी बोले, आप जी में वो मैं जी में, कोई बेटी जवाई में भी भेदभाव होता है क्या? शंकर जी बोले, सच बोलो गोरा जी, आपने तो 8 फल और सांगरी की पीढ़ी और 1 लोटा पानी पेट में झूल रहा है। शंकर जी, आपने मेरी पेट की ढकनी खोल कर देख ली, आज तो आपने देख ली, आगे से कभी कोई औरत की ढकनी खोल कर नहीं देखी, और पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए, इस बात का सब ध्यान रखो। इतना बोलकर आगे बढ़े, आगे वापस उसी गांव में पहुंचे, वहां खूब बाजे बज रहे थे, बधाई बट रही थी, लड्डू पेड़े बांट रहे थे, नाच गीत हो रहे थे, आनंद ही आनंद हो रहा था। गोरा दे बोले, कायदा काय का आनंद है? शंकर जी बोले, जब आप गए थे तब रानी कष्टी थी, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।